Welcome to Wheels since 2020. Before we start, please subscribe and press the bell icon. So hello everyone and welcome to my channel Wheels since 2020. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मर्सिडीज बेंज के EQC के बारे में. दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसे मर्सिडीज लॉन्च कर चुका है कल ही. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मर्सिडीज बेंज के EQC के बारे में कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा. इसके साथ साथ इसके प्राइसेस भी आपको बता दूंगा और इसके हर एक फीचर्स भी आपको इस वीडियो में बता दूंगा. और दोस्तों, इससे पहले कि ये वीडियो रिव्यू स्टार्ट करूँ इस गाड़ी का, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं इस गाड़ी की रिव्यू. दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की लुक की. ये गाड़ी का फ्रंट का लुक है, आप लोग देख सकते हैं. आपको न्यू ग्रिल डिज़ाइन देखने को मिलेंगे. आपको LED डे टाइम रनिंग लाइट मिलता है, LED हेडलैम्प्स, LED इंडिकेटर एंड साथ ही साथ LED फॉग लैंप्स प्रोवाइड किया जाता है गाड़ी में. आपको फ्रंट में फ्रंट पार्किंग सेंसर एंड साथ ही साथ फ्रंट व्यू फ्रंट कैमरा मिलता है. आपको गाड़ी में एक्चुअली 360 डिग्री कैमरा मिलता है. गाड़ी की साइड प्रोफाइल देखेंगे, आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे. दोस्तों, ये एक SUV गाड़ी है और अगर अलॉय व्हील को ध्यान से देखेंगे आप लोग देख सकते हैं आपको ब्लू कलर की लाइनिंग देखने को मिलेगी जो गाड़ी को काफ़ी अच्छा एंड स्पोर्टी लुक देता है. गाड़ी की अगर रियर व्यू की बात करें तो दोस्तों, ये गाड़ी का रियर व्यू है, आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया गया है. रियर में आपको कंप्लीट रियर के थ्रू एक LED लाइट देखने को मिलेंगे जो गाड़ी को काफ़ी अच्छा एंड स्पोर्टी लुक देता है. एक रोड प्रेजेंस की फीलिंग आती है इस गाड़ी को देखने से रियर से. आपको रियर में भी LED लाइट प्रोवाइड किया जाता है एंड LED इंडिकेटर दिया गया है डायनेमिक टर्न इंडिकेटर के साथ. आपको रियर में रियर डिफोगर प्रोवाइड किया जाता है. रियर व्यू कैमरा विद गाइडलाइंस एंड पार्क असिस्ट. रियर में आपको पार्किंग सेंसर एंड 360 डिग्री कैमरा प्रोवाइड किया जाता है. अब बात करते हैं गाड़ी की डायमेंशन की. अगर गाड़ी की डायमेंशन की बात करें, इसकी जो लेंथ है वो आपको 4761 mm की मिलेगी. जो विड्थ है वो 1884 mm की है एंड जो हाइट है वो 1624 mm की है. दोस्तों, गाड़ी की जो वेट है वो आपको 2500 kg की होगी एंड इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाता है वो आप लोगों को 145 mm का प्रोवाइड किया जाता है. तो दोस्तों, अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की. अगर गाड़ी का इंटीरियर देखें तो काफ़ी लग्जरियस इंटीरियर आपको गाड़ी में प्रोवाइड की जाती है. काफ़ी प्रीमियम फीलिंग देती है ये गाड़ी के अंदर से. आप लोगों की नज़र सबसे पहले जाएगी, आप लोग देख सकते हैं एक वाइड स्क्रीन कॉकपिट दिया गया है आपको जो आपको डैशबोर्ड में दिया गया है जो काफ़ी अच्छा लग्जरी लुक देता है गाड़ी को. गाड़ी में आपको 64 कलर की एम्बिएंट लाइटिंग का कलर ऑप्शन भी दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है. आपकी जो गाड़ी की सीट्स है वो आपको लेदर सीट्स मिलेंगे और साथ ही साथ आपके फ्रंट सीट में आपका मसाज फंक्शन का भी ऑफर रहता है. आपके दोनों जो स्क्रीन है दोनों ही 10.5 इंच स्क्रीन प्रोवाइड किया जाता है, एक आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए, दूसरा आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए. आपको गाड़ी में 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC प्रोवाइड किया जाता है, ऑटोमेटिक AC. आपको गाड़ी में वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिया जाता है एंड साथ साथ 2 चार्जिंग पोर्ट भी प्रोवाइड किया जाती है रियर में एंड फ्रंट में भी 2 चार्जिंग पोर्ट प्रोवाइड किया जाती है. आपको कोल्ड ग्लोबल स्टोरेज भी प्रोवाइड किया जाता है. गाड़ी में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी प्रोवाइड किया जाती है. आपकी जो AC है आप लोग देख सकते हैं, आपको ऑटोमेटिक AC मिलता है, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक AC. गाड़ी में एयर फ्रेशनर के लिए एयर प्यूरीफायर भी प्रोवाइड किया गया है मर्सिडीज बेंज की तरफ से, आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर. एंड गाड़ी में जो आपको म्यूजिक सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाता है, काफ़ी प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, प्राइस मोटर की है आपके प्रोवाइड किया जाता है. आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको GPS की लाइव नेविगेशन देता है, आपको प्रोवाइड करता है. साथ ही साथ आपको ड्राइव मोड सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन देता है, आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं. आपको मर्सिडीज बेंज MBUX की असिस्ट सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाता है गाड़ी में. यहाँ पर यह आपको आपकी सर्विसिंग की वार्निंग भी दे देता है. यहाँ से आप सिर्फ अपने गाड़ी को कह सकते हैं मर्सिडीज एंड ऑपरेट कर सकते हैं कुछ भी चीज़, जैसे कि AC ऑन करना या फिर कोई भी डिस्टेंस या फिर किसी को कॉल करना. दोस्तों,
अब बातें करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की। जब भी आप गाड़ी खरीदते हैं सबसे पहले यही चीज़ देखना चाहिए, गाड़ी की में सेफ्टी फीचर क्या प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस गाड़ी की सेफ्टी फीचर की बात करें तो सबसे पहले आपको गाड़ी में मल्टी बीम लाइट प्रोवाइड किया जाता है, मल्टी बीम LED, जो कि आपके विजिबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। फिर आप लोग देख सकते हैं आपको एडेप्टिव हाई बीम असिस्ट प्लस प्रोवाइड किया जाता है। फिर आप लोगों की पार्किंग के लिए आपको एक्टिव पार्क असिस्ट विथ पार्क टोनिंग प्रोवाइड किया जाता है, जो आपको पार्किंग करने में काफ़ी ईजी होता है गाड़ी की में। फिर आप लोग देख सकते हैं आपको गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा मिलता है विथ पार्किंग पैकेज, आपको पार्किंग के लिए गाड़ी ऑटोमेटिक पार्क हो जाएगी। और अगर दोस्तों और भी बात करें सेफ्टी की, तो सेफ्टी में आपको इस गाड़ी में आपको एंटी थेफ्ट प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि अगर कोई गाड़ी आपको गाड़ी का लॉक तोड़ के लेना चाहे तो नहीं ले सकता, गाड़ी में अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। गाड़ी में आप लोगों को प्री सेफ सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाता है सेफ्टी के लिए। अगर रियर की बात करें तो रियर में भी आपको साइड में साइड एयरबैग्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, एक्सीडेंट के थ्रू ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा आपको बेटर सेफ्टी के लिए प्रोवाइड के लिए। और आप लोग देख सकते हैं आपको फ्रंट में नी बैग भी प्रोवाइड की गई है आपको लेग को सेफ्टी के प्रोवाइड करने के लिए। और दोस्तों गाड़ी में आपको हैप्टिक एक्सीलेटर पैडल भी प्रोवाइड किया जाता है, और गाड़ी में आपको इको असिस्ट भी प्रोवाइड की जाती है। आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया गया है, इको असिस्ट की फीचर भी अवेलेबल है आपकी गाड़ी में। इसके साथ साथ आपको गाड़ी में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग एंड फ्रंट कोलाइजन वार्निंग, हिल होल्ड असिस्ट, ढेर सारे फीचर प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं गाड़ी की सबसे मेन चीज़, इसका जो मोटर आपको प्रोवाइड किया गया है, ये आपका 80 किलोवाट का मोटर है जो आपको प्रोवाइड करता है रेंज 445 से 471 के आसपास अकॉर्डिंग टू NEDC। आप एक सिंगल चार्ज में गाड़ी के 80% चार्ज कर सकते हैं सिर्फ 1 आवर में ही। और दोस्तों क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है इसलिए ये गाड़ी पोल्यूशन फ्री है आप लोग कह सकते हैं। दोस्तों ये जो गाड़ी है ये आपको 402 हॉर्स पावर प्रोवाइड करता है एंड 720 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा ये गाड़ी काफ़ी सारे फीचर्स के साथ आती है, और ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये इंडिया में कॉम्पीट करने आई है ऑडी ई-ट्रॉन के साथ, जो कि बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाली है। इसी नवंबर को इसी इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा ऑडी ई-ट्रॉन को। मैं उसकी डिटेल आपको मेरे अपने अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों इतने सारे पैकेजेस के साथ इस गाड़ी का जो प्राइस है इंडिया में रखा गया है वो है 99,30,000, ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास ही है, 1 करोड़ से 70,000 कम है। आप लोग देख सकते हैं इसका जो एक शोरूम प्राइस रखा गया है दिल्ली में 99,30,000। तो दोस्तों इतना था मर्सिडीज बेंज EQC के बारे में। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं ये गाड़ी आप लोगों को कैसी लगी, एंड मैं प्लीज़ रिकमेंड करूँगा जो लोग एफोर्ड कर सकते हैं इस रेंज की गाड़ी तो आप लोग यही गाड़ी ले, क्योंकि इंडिया में सब ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। तो दोस्तों इतना ही था मर्सिडीज बेंज के EQC के बारे में। एंड दोस्तों प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।